झोला लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं। उसे कह दो गद्दी छोड़ दे आप। वो कह रहे की चारू सीटें हमारी आ रही है। नहीं होगा, यहाँ पे नथिंग है, बिल्कुल जीरो। अच्छा, रायबरेली में बिल्कुल जीरो। अच्छा। और जो आदमी जिसको खड़ा किए हैं वो बहुत बड़ा अपने आप में, वो पहले से भी वो जीरो है। अच्छा, रायबरेली में राहुल गांधी, अरे पुराना बहुत डकैत है वो। राहुल गांधी को बताइए, राहुल गांधी, राहुल गांधी 5 लाख के ऊपर जीत रहे हैं रायबरेली से। बिल्कुल 5 लाख, 5 लाख के ऊपर। भाई साहब बताओ क्या लग रहा है रायबरेली, क्या लग रहा है? मार भाई 4 लाख वोट जीते हम लोग राहुल गांधी, और क्या क्या लग रहा है? राहुल गांधी क्लियर है? बिल्कुल। दिनेश सिंह कह रहे कि हराएंगे राहुल गांधी को, उनकी औकात नहीं है, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। दिनेश सिंह की जी, ऐसा माहौल रहा है, और क्या, एक तरफा चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, भाई साहब कह रहे हैं दिनेश सिंह का क्या माहौल, आप बताओ? जमानत जब्त हो जाएगी दिनेश सिंह की। अच्छा, राहुल गांधी क्लियर है? 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख वोटों से, 5 लाख वोटों से। ऐसा मामला है, पीएम चुन रहे हैं भाई, कोई मामली बात थोड़ी है, पीएम चुन रहे हैं हम। चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? वो बनेंगे, लिख लो बनेंगे। बिल्कुल, बताइए 2024 में मोदी जी कह रहे हैं कि 400 सीटें आ रही है, यूपी की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी को भी हराएंगे, तो ऐसा मामला नहीं है। बात जितनी बचती है उतनी बीजेपी की आएंगी। अब जोड़ लीजिए कितनी बचती है, 143 बचती है, 543 में वो ये बोले ना 400 पार, तो 400 छोड़ दो, उसके बाद जो बची वो। ये तो यार बड़ी बात कह दी होगी, 400 के बाद उनको पता है, मोदी जी को पहले से पता है कि 400 के पार आएंगे। अच्छा, 400 नहीं आएंगे, 400 के पार आएंगे। अच्छा, 143 आएंगे, 400 के बाद जितनी बस्ती हो मोदी जी की, वो मोदी जी की, इसलिए वो बोले 400 पार। अपनी बात ना, और क्या, यही इसलिए अगला ये, और क्या आपको लगता है ऐसे ही मामला है? ये बताइए, सब जगह तो मैक्सिमम पा चुके हैं, अब उससे क्या, 100 से ज्यादा कोई 102 नंबर थोड़ी पा जाएगा, 101 नंबर थोड़ी पाएगा, अब वो नीचे ही तो आएगा, उसका ग्राफ नीचे होगा, ऊपर जाएगा। 150 सीटें भी नहीं आएंगी? नहीं आएंगे, 150 नहीं आएंगे, पूरे भारत में 150 सीटें नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा, ऐसा माहौल हो गया, और क्या, राहुल गांधी 5 लाख से। हाँ, तो क्यों चाहते हो कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बने? युवा हैं, उनकी योजनाएं देख लो, वो तो फेकम फाकी लगाए, जो चीज बोले आज तक पूरा नहीं, जो नहीं बोलते वो करते हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं। उनके उनके उनकी दोनों घोषणा पत्र पिछली वाली बार देख लो, उसमें क्यों, अगर कोई चीज पूरा हो तो बताओ, जो नहीं बोलेंगे वो कर देंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं। वादा किया था, पूरा नहीं किया? नहीं किया, वो तो कह रहे कि जो हमने कहा वो किया, 10 सालों में बदलने का काम किया। उनके घोषणा पत्र से उनसे जाइए, बैठ लीजिए, एक करें, 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने? नहीं किया ना, मनमोहन सिंह हर साल करते थे, क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता कि हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे। तो 24 में भरोसा नहीं मोदी पे? नहीं नहीं नहीं, राहुल भरोसा? हाँ, राहुल भरोसा। तो यहाँ से रायबरेली से राहुल 5 लाख से ज्यादा जीतेंगे, 5 लाख से ज्यादा। चाचा आप बताइए क्या लग रहा है रायबरेली का मजा? कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस जा रही की आ रही, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही। राहुल गांधी निकल रहे? राहुल गांधी निकल रहे, कोई बहुमत से निकलेंगे? बहुमत से राहुल गांधी जी। अच्छा, क्या किया राहुल गांधी? एकदम बहुमत से जीत रहे हैं, कम से कम 5 लाख वोट से, 5 लाख वोटों से जी, और उनको जीतना भी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक संघर्ष किया है, युवाओं की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है, गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, और जो 10,000 किलोमीटर उन्होंने पैदल चल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा और न्याय यात्रा का जो संदेश दिया, उससे एक जनमानस लोगों के समझ में बात आई कि नहीं, ये शख्स हमारी लड़ाई लड़ सकता है। और लगता है राहुल गांधी देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं, युवाओं की, किसानों की, महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं जी, सारे लोगों की, चाहे वो देश का गरीब हो, चाहे देश का किसान हो, चाहे देश का मजदूर हो, चाहे देश का युवा हो, चाहे देश की महिला हो, सारे लोगों की लड़ाई। आज उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया है उसमें भी ये सारी बातें उन्होंने कही है, महिलाओं को 1 लाख रुपया जीतते ही हमारी सरकार बनती उनके खाते में जाएगी, और उसका सच ये है कि कर्नाटका में वहाँ की महिलाओं को मिल रहा है, हिमाचल में मिल रहा है, और युवाओं को भी उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही जो युवा बेरोजगार हैं उनको हम जो है नौकरी देने का काम लिए जो है उनको 1 लाख रुपया सालाना उनको मिलेगा, 30 लाख नौकरी की भी बात करते हैं। भरोसा राहुल गांधी पे है जी? अभी क्या लगता है राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, भरोसा है कि 2024 में अगर बनेंगे तो काम करके दिखाएंगे? बिल्कुल, और उनको ये करना पड़ेगा, इसलिए कि जनता आज उनके साथ खड़ी है, जनता साथ में आ गई राहुल जी, और जनता जब खड़ी है तो उस काम को उनको करना पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। मोदी जी पे भरोसा नहीं बचा? मोदी जी पे कोई भरोसा नहीं बचा, इसलिए कि मोदी जी को लोगों ने टाइम दिया, 10 साल का टाइम दिया, इस 10 साल में उन्होंने सभा विदेश घूमने किया, और उन्होंने कुछ नहीं किया, और अपना प्रचार का काम किया, खाली पार्टी का काम किया, प्रधानमंत्री का उन्होंने कोई काम नहीं किया। धरातल में परिवर्तन हो रहा है? कोई परिवर्तन, उनका परिवर्तन, उनको लोग जनता हटाना चाहती है, बताओ क्या लग रहा राहुल गांधी का मामला यहाँ पे? हिंदुस्तान से लोग बहुमत आ रहा है यहाँ रायबरेली में, जमानत जब्त करा दे इसकी,
अरे दिनेश सिंह की और क्या, दिनेश सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। भाई साहब क्या लग रहा है, अब यहाँ लगना ही नहीं कुछ, 100 साल से कांग्रेस सही है, उनके पूर्वजों का रहा है। और ये भाजपा के लोग कह रहे हैं इस बार इतिहास बदलेंगे राहुल गांधी को, भाजपा के लोग तो 15 लाख भी कह रहे थे, अच्छे दिन भी कह रहे थे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो देख ही रहे कांग्रेस को, देख ही रहे कांग्रेस को देख रहे तो भाजपा को भी देख रहे हैं। यहाँ का मामला क्या रहा क्या है, दिनेश सिंह सुपर वहाँ की जमीन बेच डाला, दुकानदार को खाली करा दिया, जब जीतने से पहले तक काम कर डाला, तो कहीं क्या मुझे रखोगे उनसे, कोई उम्मीद समझ नहीं। क्या एक बात बताओ भाई साहब, क्या रायबरेली का जी भाई क्या लग रहा है, रायबरेली का माहौल बना हुआ भाई, कांग्रेस जीत रही है साला, लेकिन हाँ बहुत खाते लग रहा है जी भाई, यूपी का उत्साह ये कश्मीर से 370 हटाया, वहाँ अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए, उनकी ताकत ही नहीं बन रही, लड़ना चाहिए ना लड़ जाएगा सीट पे, भाग नहीं दो उधर कभी का बयान देते हैं। 2024 पे किस पे भरोसा कर रहे हैं आप, राहुल के पकड़ रहे हैं, राहुल के पकड़ रहे हैं, मोदी जी पे नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। सुनिए एक शेर सुनिए, जी, कड़वा कसेला कर दिया माहौल मुल्क का, नफरत का जहर भर दिया हर एक जवान को, और राज में बांट के चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को, राजमहल बांट के चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। तो ये हो गया मामला जी, तो अभी क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो, बदलाव चाहते हैं, राहुल जी को लाना चाहते हैं, और हमारी पूरी जनता लाएगी, राहुल जी पे भरोसा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, राहुल जी पे भरोसा कर रहे हैं, बिल्कुल भाई राहुल, अब की राहुल आएंगे, अच्छा हाँ आएंगे, अब की बार आना आना, प्रधानमंत्री चुनने जा रही है क्या रायबरेली की जनता, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसे जुमलेबाजों को नहीं बनाना है, ये जो है केवल राम राम करते हैं बस, ये हम लोगों को ये नहीं चाहिए, आपने आस्था का मंदिर बना दिया, लेकिन उसके बाद जो है ये लोगों को बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, लोगों को और नौकरी देने की बात नहीं करते, ये कहते हैं जय श्री राम इसका नारा लगाते हैं, अरे आप काम की बात करिए, आप कितने लोगों को नौकरी देंगे, कितने लोगों को रोजगार देंगे, कितने लोगों को पेट पाल, ये 5 किलो राशन देकर केवल गरीबों को गुमराह कर रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप गरीबों को मुफ्त में शिक्षा दीजिए, मुफ्त में शिक्षा कॉलेज में एडमिशन कराइए, उनको पढ़ने का वो दीजिए, आगे बढ़े, आप मुद्दे की बात 2024 के चुनाव में नहीं हो रही, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम के राशन नहीं आ रहे, 5 किलो राशन मुफ्त दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप जो है लोगों को मुफ्त शिक्षा दीजिए, लोग पढ़ेंगे शिक्षित होंगे तो आपके पीछे भागेंगे नहीं, बात ये रहेगी उनकी, बस वो मंदिर हमने यहाँ बना दिया, ये कर दिया लोगों को, दिनेश सिंह ने वहाँ 5,000 लोगों की दुकानें मुफ्त में जो है उड़वा दी, आज क्या कर रहा है अपनी जो है भीख मांगने की नौबत में आ गई है, 7 साल नहीं चला पाए वो देश क्या चलाएंगे। राहुल जी के ऊपर एक शेर हमने लिखा है कि सबर रख, एक वक्त ऐसा आएगा घड़ी मोदी जी की रहेगी, समय आपका बताएगा, रायबरेली के लोगों ने मूड बना लिया राहुल जी के साथ, पूरा 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 बना लिया भाई।